यह महज संयोग ही है कि एक महीने से भी कम समय में दिल्ली ने अपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को खो दिया है। 20 जुलाई को दिल्ली की सबसे लंबे अंतराल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का निधन हुआ, तो महज दो हफ्ते बाद दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भी चल बसी। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुषमा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में सुषमा ने लगातार 3 वर्षों तक NCC की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में सुषमा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। जुलाई 1975 में उनका विवाह सुप्रीम कोर्ट के ही सहकर्मी स्वराज कौशल से हुआ। उनके पति स्वराज कौशल भी सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। स्वराज कौशल वो नाम है जो 34 वर्ष की आयु में ही देश के सबसे युवा महाधिवक्ता और 37 साल की उम्र में देश के सबसे युवा राज्यपाल बने। वह 1990 से 93 के बीच मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए थे। इमरजेंसी के दौरान स्वराज कौशल बड़ौदा डायनामाइट केस में उलझे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के वकील थे। इसी केस के सिलसिले में सुषमा स्वराज जॉर्ज फर्नांडिस की डिफेंस टीम में शामिल हुई। जॉर्ज को जून 1976 में गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर की जेल में रखा गया था, तो उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1977 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज ने जेल से ही नामांकन भरा। तब सुषमा दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंची और पूरे क्षेत्र में हथकड़ियों में जकड़ी जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर दिखाकर प्रचार किया। उस दौरान उन्होंने जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा का नारा दिया, जो लोगों की जुबान पर छा गया। जॉर्ज चुनाव जीत गए और मुजफ्फरपुर के लोगों ने परिवर्तन की लहर देखी। दिसंबर 1998 में सुषमा स्वराज ने राज्य विधानसभा सीट से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बेलारी से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन वो हार गई। फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में वापस लौट आई। वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई थी। बाद में उन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 7 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुकी सुषमा स्वराज दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री, 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और विदेश मंत्री रह चुकी हैं। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर भी काफ़ी सक्रिय रहती थी। विदेश में फंसे लोग बतौर विदेश मंत्री उनसे मदद मांगते, चाहे पासपोर्ट बनवाने का काम ही क्यों ना हो, वो किसी को निराश नहीं करती। ट्विटर पर सक्रिय रहते हुए लोगों की मदद करना उन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। 19 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र में दिया सुषमा का भाषण खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर चलाने की वकालत की। इस भाषण में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कई मौक़ों पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये रुक गई तो उसकी वजह पाकिस्तान का अपना व्यवहार है। सुषमा ने 2015 में भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण दिया था और उस दौरान भी जमकर पाकिस्तान पर गर्जी थी। और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान लगातार यह भी खबर आती रही कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नवंबर 2016 में ट्वीट कर उन्होंने आम लोगों को अपने किडनी के खराब होने की जानकारी दी। उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। 2 साल बाद नवंबर 2018 में सुषमा ने ऐलान कर दिया था कि वो 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगी। 2 दिन पहले सुषमा ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने पर ट्वीट किया। राज्यसभा के उन सभी सांसदों का बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने आज धारा 370 को समाप्त करने वाले संकल्प को पारित करवाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके एक भारत के सपने को साकार किया। अपनी मौत से महज कुछ घंटे पहले ही सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।
यह कोई नहीं जानता था कि यह सुषमा स्वराज का आखिरी ट्वीट होगा। 6 अगस्त 2019 को उनके देहांत के साथ ही भारतीय राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपनी श्रद्धांजलि में लिखा कि बीजेपी के विकास में सुषमा स्वराज ने बड़ा योगदान दिया। धन्यवाद।